आप सभी से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। जलियांवाले बाग के शहीदों को इस भावपूर्वक श्रद्धांजलि तो बाद मैं बहुत ही सत्कार नाल बेनती करांगा मैंबर पार्लीमेंट ते जलियांवाला बाग मैमोरियल ट्रस्ट के मैंबर श्री श्वेत मलिक जी नूं कि वह सारे पतवंत सज्जनों का रस्मी तौर पर स्वागत करन। श्री श्वेत मलिक जी किसे महान मनुख दा अपने शहर जाना चंगी किस्मत दी गल है। किसे महान मनुख नू नजदीकी तो वेखना किस्मत दी गल है। अते जे सानू किसे महान मनुख दी मौजूदगी मिलदी है अते उसनू नमस्कार करन दा मौका मिलदा है ता ए वड्डी किस्मत दी गल है। मैनू अज महान मनुख युग पुरुष गतिशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नू गुरु नगरी श्री अमृतसर साहब विच नमस्कार करन दा महान सुभाग प्राप्त होया। अज मेरी जिंदगी धन हो गई है। अज दे इस शुभ मौके ते सब तो पहला मैं अपने प्रेरणा स्रोतर देश दे सफल गतिशील कर्मयोगी ते विश्व दे सब तो प्रसिद्ध नेता साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा स्वागत करांगा जो अज कुर्बानी दी प्रमुख भूमि जलियांवाला बाग अमृतसर स्थित है। इस धरती उत्ते हजारां शहीदां दीआं रूहां आराम कर रहीआं ने। उसदे नवीनीकरण कर देश दे लोकां नूं अज मानयोग मोदी जी समर्पित कर रहे ने। इतिहास गवाह है कि किसे काम दा मान उदों ही जागदा रहिंदा है जदों ओह अगली पीढ़ी नूं वी सिखांदा है प्रेरणा देंदा है। किसे राष्ट्र दा भविख उदों ही रोशन हुंदा है जदों उह अपने पुराने अनुभवां अते विरासत तो मान पल पल जुड़िया रहिंदा है। फिर भारत कोल मान करन लई एक विशाल दौलत है एक अमीर इतिहास है एक चेतन सभ्याचारक विरासत है। इस लई आजादी दे 75वें साल दे इस मौके ते अजेकी पीढ़ी नूं इह अमृत दी तरह दित्ता जाएगा। अजिहा अमृत जे सानू हर पल देश लई जीन देश लई कुछ करन लई प्रेरित करेगा। अज तकरीबन 1.5 साल बाद ਇਹ ਬਾਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰੇ ਡਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਭਗਤ ਲੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ
जो अज इत्थे विराजमान ने, मैंबर पार्लीमेंट MLA साहिबान, और सब तो ज़्यादा मेरे शहीद परिवारों परिवारों के जेड़े अज उन्हां दी नवी पीढ़ी है, एक पीढ़ी अगे आ गई जेड़े अज इत्थे विराजमान ने, जिसते अज बहुत खुशी का दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने इन्ना सोच के 102 साल हो गए ने उस वाकियात को, और उस 102 साल दे विच तो बाद इसका रेनोवेशन जो हो रहा है, नवी एक रूपरेखा जो दिती गई है इस जलियांवाला बाग नूं, उहदा अज देश नूं समर्पित कर रहे ने। ये जिहड़ा वाकियात होया मेरा ख्याल सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि 102 साल विशाख हो गए पर अज ताई असी नहीं जानते कि किन्ने उत्थे शहीद होए ने लोग। असी विसाखी, खूनी विसाखी जिहड़ी कहिंदे ने 1919 दी, देख लो 102 साल हो गए, लेकिन साडे जिहड़े रिकॉर्ड दे विच है 488 बंदियां दी उत्थे शहादत होई, लेकिन जिहड़े पिंडां च गए, पिंडां च मरे, पिंडां जख्मां तों मरे, कुछ नहीं पता। उहदी हुण असी रिसर्च टीम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की लगाई हुई है पता करन नूं कि किहड़े किहड़े पिंड चों किन्ने शहादतां होईआं ने और की कुछ होया उत्थे। जरूरी है क्योंकि जलियांवाला बाग 6 किले दे विच बनाया सीगा, और वह 6 किलियां दे विच 10,000 बंदे इकट्ठे हो गए सी, कोई जगह ही नहीं सी किसे नूं खब्बे सज्जे जाण नूं। और जब डायर ने अपनी फौज नूं लिया के उत्थे फायरिंग की, 1650 गोलियां चलियां, तो उन्हां दा जिथों फायरिंग हुई और जिथे लोग उत्थे खड़े से सुन रहे से अपने लीडरां नूं, फासला सिर्फ 15 to 17 गज तक सीगा, तो एक गोली शायद 2 या 3 या 4 दे विच दी लंघी होनी है। तां ही जरूरी है पता करना कि किहड़े से ओ शहीद जिन्हां ने उस दिन अपनी शहादत दित्ती। और उस पिंड पहला ही क्या होया कि जिथे इन्हां दे पिंड ने, असीं उस पिंडां विच स्पैशल ग्रांटां दे रहे हैं ताकि उन्हां दी याद उत्थे बनाई जाए। और ये इत्थे ही नहीं, ये तो इत्थों शुरुआत हुई है 1919 विच, इत्थों फिर जोर फड़िया साड़ी आज़ादी की लड़ाई, और इत्थों एक नौजवान 2 दिन बाद उत्थे आया, और उत्थों लाल धरती जो खून नाल लिबड़ी हुई सी धरती, उहदी मिट्टी चक के एक बोतल छोटी रख के कई साल अपने सराहने ते उत्थे मेज दे उपर रखदे सी। ये कौन सी? शहीद उधम सिंह। और वह शहीद उधम सिंह मौका मिलिया उन्होंने जदों लंडन दे विच गए, और कलैक्सटन हॉल दे विच एक कुछ हिंदुस्तान बारे कोई उत्थे कोई चर्चा हो रही सी, वो जाके अंदर माइकल ओडायर जो गवर्नर सी जिन्हें हुक्म दिता सी उसने गोली मार के खत्म की थी। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी आपनों एक बेनती है, मैं आपते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नूं भी लिखी है कि वो जिहड़ी पिस्टल सी उधम सिंह दी, और वो जिहड़ी उन्हां दी डायरी सी, उहनूं अगर UK दी सरकार नूं पुछ के असी वापस लिआए, ताकि वो जिहड़ी साडी आज़ादी दी एक नुमाइश लगदी है, जिथे भी अपने उरे भी बना रहे हैं जलियांवाला बाग विच, असी उधम सिंह दी उत्थे सुनाम भी बनाई है, उत्थे सारियां उन्हां दीआं चीज़ां असी रख सकीए ताकि आउण वाली पीढ़ी देख ले, और देख ले इन्हां दे बजुर्गां ने अपने देश वास्ते, अपने पंजाब वास्ते, अपनी कौम वास्ते क्या कुर्बानियां उन्होंने दित्तियां। उन्हें सदा याद रखन कि जदों भी मौका आवेगा कि साडे पंजाब वास्ते या साडे देश वास्ते वो कुर्बानी की लोड़ पवे, तो याद करो अपने बजुर्गों, और वो बुजुर्गों की जो कुरबानी दी है वह सदा सोडे नाल रहे। और मैं आज सिर्फ अरदास करदा अपने अकाल पुरख के चरणों च कि इन्हां दे पवित्र आत्मावां नूं अपने चरणों च निवाजन, और सारे उन्हां दे परिवारों नूं उन्हां दे दिलों दे विच अपनी देश सेवा भर के रखन। जय हिंद। तुहाडे इन्हां शब्दों वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। जलियांवाला बाग इसी प्रांगण में ही परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत के सफर की अनेकों गाथाओं को कला की विभिन्न विधियों
आधुनिक व पारंपरिक कलाकारों की कला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती गैलरीज और म्यूजियम के साथ साथ इस शहीदी स्मारक के नवीन सुरक्षित संरक्षित स्वरूप के लोकार्पण के लिए सादर अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इस शुभ कार्य को अंजाम दें। भारत भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारी अमूल्य धरोहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों और प्रतीकों को सहेजने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय धरोहरों तथा ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण तथा नवीकरण किया है, ताकि हमारी नई और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। इसी विजन के साथ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को एक नई रूपरेखा में पुनः स्थापित किया गया है। जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेज हुकूमत ने शताब्दी पहले क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का नवीकृत परिसर देश के शहीदों के बलिदान से जुड़े स्थल को सम्मान और संवेदना की अनुभूति के साथ पुनः स्थापित करता है। शहीदों को अर्पित यह स्मारक उन सभी देशवासियों के बलिदान की याद ताजा करता है, जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऐतिहासिक स्मारक की अनुभूति की शुरुआत होती है प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से। यहां से आगे बढ़ते हुए हेरिटेज एली में आप अनुभव करेंगे 1919 की बैसाखी के उत्सव में शामिल हुए लोगों के हर्षोल्लास का। प्रांगण में स्थापित जलकुंड शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि को निरंतर अभिव्यक्त करता है। इसके आगे पहली गैलरी पंजाब के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वर्णन करती है। दूसरी गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोषण, रॉलेट एक्ट के निष्ठुर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटना चक्र का उल्लेख करती है। साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नरसंहार की एक जीवंत अनुभूति भी कराती है। गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद यह शहीदी कुआं उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को अभिव्यक्त करती है। बेगुनाहों के जिस्मों को भेद कर निकली वो गोलियां आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित हैं। चौथी गैलरी जनरल डायर के इस निर्मम कत्लेआम से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों को समर्पित है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग प्रज्वलित कर दी थी। शहीदी स्मारक, मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहां हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गरिमा और पवित्रता के प्रतीक इस बाग का नवीकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, संवेदना
एवं बलिदान की भावनाओं के साथ जोड़ेगा और प्रेरणा देगा। पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री सोम प्रकाश जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री श्वेत मलिक जी, कार्यक्रम में जुड़े सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिवारजन, भाई और बहनों, पंजाब की वीर भूमि को, जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। मां भारती की उन संतानों को भी नमन जिनके भीतर जलती आजादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं, वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। आज जो रिनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब
हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले इस स्थान पर पवित्र वैशाखी के मेले लगते थे। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वदा भला की भावना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। आजादी के 75वें साल में जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है, यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, कितना त्याग, कितना बलिदान, अनगिनत संघर्ष, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा नई ऊर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी। साथियों, हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखें। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी हैं और आगे बढ़ने की दिशा भी देती हैं। जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। पंजाब के पश्चिमी और जिंदा परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन के बहुत बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी। साथियों, गुरुबानी हमें सिखाती है, सुखु होवे सेव कमाणिया, अर्थात सुख दूसरों की सेवा से ही आता है। हम सुखी तभी होते हैं जब हम अपने साथ साथ अपनों की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत
अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर भारत लाए हैं। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से प्रयास किया है। मानवता की जो सीख हमें गुरुओं ने दी थी, उसे सामने रखकर देश ने ऐसी परिस्थितियों से सताए हुए अपने लोगों के लिए नए कानून भी बनाए हैं। साथियों, आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र के रूप में हर स्तर पर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत करें, उस पर गर्व करें। आजादी का अमृत महोत्सव आज इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अमृत महोत्सव में आज गांव गांव में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव है, उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट्र नायकों से जुड़े स्थानों को आज संरक्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी है। इलाहाबाद म्यूजियम में 1857 से लेकर 1947 की हर क्रांति को प्रदर्शित करने वाली देश की पहली इंटरैक्टिव गैलरी, इसका निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को समर्पित यह आजाद गैलरी सशस्त्र क्रांति से जुड़े वहां उस समय के दस्तावेज, कुछ चीजें उसका भी एक डिजिटल अनुभव देगी। इसी प्रकार कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी के में भी क्रांति के चिन्हों को भावी पीढ़ी के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक बनाया जा रहा है। इससे पहले सरकार द्वारा आजाद हिंद फौज के योगदान को भी इतिहास के पिछले पन्नों से निकालकर सामने लाने का प्रयास किया गया है। अंडमान में जहां नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया, उस स्थान को भी नई पहचान दी गई है। साथ ही अंडमान के द्वीपों का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, आजादी के महायज्ञ में हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जनजातीय समूहों ने त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। इतिहास की किताबों में इसको भी उतना स्थान नहीं मिला
जितना उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। देश के 9 राज्यों में इस समय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को दिखाने वाले म्यूजियम पर भी काम चल रहा है। साथियों, देश की ये भी आकांक्षा थी कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। मुझे संतोष है कि नेशनल वॉर मेमोरियल आज के युवाओं में राष्ट्र रक्षा और देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना जगा रहे हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब सहित देश के कोने कोने को जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, आज उनको उचित स्थान और उचित सम्मान मिला है। इसी प्रकार हमारे पुलिस बेड़े के लोग, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए भी आजादी के इतने दशकों तक देश में कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। आज पुलिस और अर्धसैनिक बलों को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक भी देश की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, पंजाब में तो शायद ही ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई गली है जहां शौर्य और सुरवीरता की गाथा ना हो। गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हुए पंजाब के बेटे बेटियां मां भारती की तरफ टेढ़ी नजर रखने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी ये धरोहर और समृद्ध हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव हो, या फिर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव हो, ये सभी पड़ाव सौभाग्य से बीते 7 सालों में ही आए हैं। केंद्र सरकार ने प्रयास किया है कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन पावन पर्वों के माध्यम से हमारे गुरुओं की सिख का विस्तार हो, अपनी समृद्ध धरोहर को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम लगातार जारी है। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम हो, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। पंजाब की दुनिया के अलग अलग देशों से एयर कनेक्टिविटी हो, या फिर देश भर में जो हमारे गुरुस्थान है उनकी कनेक्टिविटी हो, उसको सशक्त किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, कठखड़ कला, कलानौर, पटियाला हेरिटेज सर्किट को विकसित किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारी ये समृद्ध विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित भी करती रहे और पर्यटन के रूप में रोजगार का साधन भी बने। साथियों, आजादी के ये अमृतकाल पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अमृतकाल में हमें विरासत और विकास को साथ लेकर चलना होगा और पंजाब की धरती हमें हमेशा हमेशा से इसकी प्रेरणा देती रही है। आज ये जरूरी है कि पंजाब हर स्तर पर प्रगति करे,
हमारा देश चहुं दिशा में प्रगति करे, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ साथ हमें काम करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जलियांवाला बाग की ये धरती हमें हमारे संकल्पों के लिए सतत ऊर्जा देती रहेगी और देश अपने लक्ष्यों को जल्द पूरा करेगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर इस आधुनिक स्मारक की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। देश की विजय गाथा में प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक नर नारी को शत शत नमन। प्रस्तुत है इस पुण्य स्थली श्रद्धा योग्य स्मारक स्थल की ऐतिहासिक गाथा को दर्शाता हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में विशेष रूप से तैयार किया लाइट एंड साउंड शो, जो कल से दर्शनार्थियों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। ए है लाइट एंड साउंड दी ओ खूबसूरत पेशकारी, जो आज तो बाद हर रोज जलियांवाला बाग विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन आने वाले सैलानियों नूं दिखाई जाया करेगी। सभी से गुजारिश, जो जहां पे है वो वहीं बैठ जाए। सींचा गया है खूने शहीदा से इसका तुख्म, तू आंसुओं की बुखल न कर इस निहाल से। उस बैसाखी के दिन जो लोग इस बाग में शहीद हुए थे, वे न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बैसाखी खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह थी। पंजाब की धरती पर आने वाले सबसे खूबसूरत दिन की सुबह, जब सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। न जाने कितने लोग हरमिंदर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। अमृतसर के गली बाजारों में चहल पहल थी। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। बैसाखी की खुशियों के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा टिन का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में लोगों को यह संदेश देते हुए निकला। जैसे ही इस बच्चे की मुनादी को बैसाखी मनाते हुए लोगों ने सुना, तो सोचा कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुल्म नहीं है। वीर जी, बाग पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ, सुना है सब आए कोई। आप चलो, हम मत्था टेक के आए बस। अजी सुने है कोई कानून लगाया सरकार ने?
हाँ सुना तो मैंने भी वही है, शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। वैसे परजाई जी आप आ रहे हो ना? आहो जसी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाला बाग में तो लोग पहले से ही आपस में खुशियां बांट रहे थे, आराम कर रहे थे, मगर उन मासूम लोगों को यह मालूम नहीं था कि जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की कोई मुनादी ही नहीं कराई थी। लगभग दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब सुना है कोई सभा होने वाली है। केदार साहब बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था यही 4:30 के करीब। ये जरूरत, देखता हूं सभा को। जनरल डायर, ये वही नाम था जो आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह से कुचलने की कोशिश की थी, फिर चाहे वो आवाज गर्जना में उठी हो या शांति में। 1770 में सन्यासियों और फकीरों ने संघर्ष किया तो 1857 में पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार भरी। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो वो मुंह पर रखी गई हथेली में से भी फूट फूट कर निकलती रहती है। कभी क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा उठाया तो कभी कांग्रेस के गरम दल ने। एक तरफ गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिया था तो पंजाब में भी वो देश की आजादी के लिए सक्रिय थी। 1915 में रास बिहारी बोस ने पंजाब आकर लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहेब और तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों से सशस्त्र क्रांति के लिए संपर्क किया, मगर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 के दिन 19 वर्ष के बालक करतार सिंह सराभा को अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के सदस्यों पर मुकदमे चलाकर सजाएं दी गईं। यह पहले विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजों ने अपने हित से इस युद्ध में भारत को भी झोंक दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपदा, युद्ध सामग्री और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया और बदले में भारत को क्या मिला? एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न वकील, न दलील, न अपील के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के पास होने के बाद पुलिस चाहे जिसकी तलाशी ले सकती थी, बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसके इस्तेमाल से भारतीय अखबारों की कलम तोड़ दी गई। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिया सत्याग्रह से। देश भर में इसके विरोध में सभाएं और आंदोलन होने लगे। फिर
30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में 60 निहत्ते लोगों को सरकारी गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इसी कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई के लिए आवेदन तक दिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके इरादे कुछ और ही थे। 9 अप्रैल 1919 को राम नवमी का त्योहार अमृतसर में शांतिपूर्वक बीता था, फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें पलवल पर ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहां से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest. इसके विरोध में पंजाब में कई जगहों पर सभाएं हुई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनके इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज किस बर्बरता से देंगे। माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को सेना की टुकड़ियों के साथ जालंधर से बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट हियर इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स। तुम्हारी यहां जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। यस सर, आई एम कमिंग। जब जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। और शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। उनके नेता ने उन्हें न घबराने की सलाह दी। तभी कुछ ही देर में दूर से उस संकरी गली से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। कुछ अख्तरबंद गाड़ियां गली के बाहर आ रही थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में आ चुका था। नहीं देगा। अगर हमने हाथ उठाया या हिंसा की तो हम उनसे अलग कैसे हुए। लोगों में कुछ हलचल सी हुई, मगर हंसराज ने उन्हें डरने से मना किया। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति से बात करते हुए लोगों से किसे खतरा हो सकता था। लोग कुछ सोचते उससे पहले जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था। औरतें अपने बच्चों को देख के दहशत में कांपती जा रही थी। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटे चीखों के समुंदर में डूबे जा रहे थे, और बच्चों को तो मालूम भी नहीं था कि उनके मासूम से खिलखिलाते चेहरे कुछ देर बाद एक गहरी और ठंडी खामोशी में गुम हो जाने वाले थे। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म। सीधे एक हुक्म जारी हुआ, गोलियां बंदूकों की नलियों से बहने। लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन न अंग्रेज हुकूमत की बंदूकें रुकी और न डायर की आंखों में कोई इंसानियत। जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरती हुई दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहां की दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रही, अंग्रेजों की गोलियों से जान बचाते हुए उन लोगों के लिए उस दिन एक उम्मीद थी, बाग में मौजूद कुआं। लोग बचते बचाते उस कुएं में गिरने लगे।
तो कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूदना शुरू किया। एक के बाद एक लोग उस कुएं में गिरते चले गए। धीरे धीरे करके वो कुआं जिंदा और मुर्दा लोगों से भरता चला गया। कुआं इंसान की प्यास बुझाता है, लेकिन उस दिन इस कुएं ने शैतान की प्यास बुझाई थी। ये कुआं इस ऐतिहासिक मैदान के बीच में गूंजता हुआ एक काला धब्बा है, जिसमें आज भी उन मासूमों की चीखें गूंज रही हैं। उस दिन जलियांवाला बाग में खूनी जनरल डायर की प्यासी बंदूकें गोलियां खत्म होने तक चलती रहीं और हिंदुस्तानी शहीद होते रहे। उसे तो यह अफसोस हो रहा था कि गली संकरी होने के कारण वह अपनी मशीन गन वहां तक नहीं ला पाया था। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार में उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी थीं, जिससे 1000 से ऊपर भारतीय शहीद हुए और 1500 से अधिक घायल। उन दरिंदों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उस दिन 15 बच्चों का गोलियों से कत्ल हुआ था। उन बच्चों में से एक बच्चे की उम्र सिर्फ 6 महीने थी। उस दिन मरने वालों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोद में एक लाश और थी, एक 3 साल के बच्चे की लाश। ऐसे ही न जाने कितने घायल लोग अपनों की लाशों के पास लाशों की तरह बैठे हुए थे। बाग में मौजूद एक लाश के पास एक औरत बैठी थी जो अपने पति की लाश पर विलाप कर रही थी। उस औरत का नाम था रतन देवी। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा, साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ ओढ़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहां से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे, उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। वहां मौजूद मृतक शरीरों की और उन पर विलाप कर रहे उनके प्रियजनों की खबर लेने के लिए वहां कोई नहीं था। घायलों का इलाज करने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पानी तक पिलाने के लिए कोई नहीं था। आप सोचिए हर उस दर्दनाक माहौल के बारे में जो अगले 24 घंटे तक ऐसा का ऐसा ही रहा। वो दर्द और वो खामोशी
जो उस दिन जलियांवाला बाग में पैदा हुई थी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने में आज तक गूंज रही है। उस वक्त मार्शल लॉ के काले बादलों ने पंजाब को घेर रखा था। अमृतसर में एक तरफ शहीदों के परिवार रुदन में डूबे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज कहकहे लगा रहे थे, क्लबों में नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। वो रोज मार्शल लॉ का इस्तेमाल करके न जाने कितनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल के यातनाएं देते रहे। इस नरसंहार का दोनों टायरों पर कोई असर नहीं हुआ। कई दिनों दोनों अमृतसर के लोगों को अपने जुल्म से दबाते रहे। उनका जुल्म इस हद तक था कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली से गुजरता था, उसे घुटनों और हाथों पर रेंगने के लिए मजबूर किया जाता था। तुम क्रॉल करके रास्ता क्रॉस करो। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा था। अपने आप को जमीन पे रगड़ते हुए निकलो यहाँ से। जब 14 अप्रैल को अमृतसर से 87 किलोमीटर दूर गुजरानवाला में कुछ भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हवाई जहाज से बम बरसाए गए, न जाने कितने मारे। दुनिया की सभ्यता का झंडा उठाने वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा ये था। पंजाब से कोई खबर बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो, वो मुंह पर रखी गई हथेली से भी फूट फूट कर निकलती रहती है। धीरे धीरे जब इस नरसंहार की खबरें देश में फैली, तो पूरा हिंदुस्तान विरोध में उठ खड़ा हुआ। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में आंदोलन तेज हो गया। यहां देश में प्रदर्शन और धरने हो रहे थे, तो उधर अंग्रेज डायर का गुणगान कर रहे थे। उनका ख्याल था कि इन गोलियों की आवाज में भारत का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का संग्राम दब जाएगा। एक अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को शाबाशी ही नहीं दी, बल्कि उसके लिए एक राहत कोष तक खोल दिया। अंग्रेजी अखबार डायर को साम्राज्य का बहादुर रक्षक बता रहे थे। भारतीयों ने इस बेशर्मी का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का पद वापस कर दिया। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बीजी हॉर्निमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश के कवियों के लिए अपनी कविताओं में अपना विरोध दर्ज किया। नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे, डायर तो है कहां का। ये आह का दुआ है, नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे, डायर तो है कहां का। तू बेवफा है जालिम, तू बुरजफा है जालिम, बाकी ना नाम रख जालिया में बागवा का। अपनी अदा पे ना जा, हो करके तूने डायर तड़पाया, विफल वो जन को जिक्र क्या है जवाब का। तुझसा ना होगा कोई बेरहम है। इन तरानों में देश का दुख था, देशभक्ति थी, और ये अंग्रेजों को एक चेतावनी भी थी कि तुम कब तक जुल्म करोगे। यह देश हमारा है और हम इसे आजाद करा के रहेंगे। फिर भी जब देश में हो रहे विरोध रुके नहीं, तो उनसे बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लाने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई।
पंजाब के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन भी अमृतसर में किया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों की नृशंसता की जमकर आलोचना की गई। इस घटना के बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं और अधिक प्रबल हो गईं। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के बाद वहां हुई क्रूरताओं को जब अपने गांव से जाकर एक बालक ने देखा तो उस बालक में देश प्रेम और आजादी के लिए जो अलख जगा, उसने उस बालक को भगत सिंह बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस नरसंहार का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार उधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। लंदन के कैस्टन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन चली वो 6 गोलियां माइकल ओ'डायर के जिस्म में उतरी। वही माइकल ओ'डायर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में कत्लेआम करने के लिए भेजा था। उसे गोली मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया, और रही बात माइकल ओ'डायर की तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलवाई गोलियों की गूंज ने सोने नहीं दिया है, और अब जाकर वो शांत हुई है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायल करते हुए उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे। मुझे अपने किए पर गर्व है, क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बतलाएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो खूनी बैसाखी कत्लेआम नहीं थी? अंग्रेजों ने उन्हें लंदन की पेंटन विले जेल में फांसी पर लटकाया था। आज भी ये देश उस शहीद सिख को सलाम करता है। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ये जो इतिहास आप सबने सुना, ये इतिहास उस क्रूरता का इतिहास है जिसे हमारे देशवासियों ने झेला था। ये इतिहास है जलियांवाला बाग में हुई उस शहादत का जिसने राष्ट्रवाद की एक नई लहर को जगाया था, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे देशवासियों का मनोबल दृढ़ किया था। ये वो इतिहास है जो हमें सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो एक दिन झुकता जरूर है। ये इतिहास है उन शहीदों का जिनकी शहादत को हमारे देश और हमारे देशवासी कभी भूलेंगे नहीं, और उसे कभी बेकार नहीं जाने देंगे। आओ हमारे उन शहीदों को सलाम करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और सलामी दें हमारे उन जाबाज जवानों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की, हमारे प्रजातंत्र की और हमारे अधिकारों की हिफाजत की। Thank you.
रोज चलाया जाएगा। इसे नाल ही असी धन्यवाद करते हाँ मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कैबिनेट मंत्री साहबान, राज्यां दे राजपाल साहबान, राज्यां दे मुख्यमंत्री साहबान, MP साहबान, MLA साहबान, पतवंते सजना अते शहीदां दे परिवारां दा जिन्हां ने अज दे इस समागम विच शामिल होके इस दे माण विच वादा कीता है। इसी के साथ आज का विशेष आयोजन यहीं समाप्त होता है। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।